अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी आप सब लोगों के। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो है जी डायपर कैंडी के ऊपर, बेबी के। अच्छा जी, जो न्यू मॉम्स होती हैं ना उन लोग को, या फिर जो न्यू मॉम्स बनने वाले होते हैं उन लोग को बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है कि बेबी का इतना सारा सामान है, उसको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करें और किस तरीके से सारी चीज़ें जो है एक ही जगह रखें ताकि हमें आसानी से जब भी ज़रूरत हो वो मिल जाए ईज़िली ना। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है और मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत आसान करके आप लोगों को हर चीज़ बता सकूं। और जी मैं आपको आज पूरा दिखाऊंगी कि मैंने अपनी बेबी की मतलब आर्यन की डायपर कैंडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करी हुई है, सारा कुछ दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से ली है ये। ठीक है जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं डिटेल में दिखाती हूँ कि मैंने आर्यन की डायपर कैंडी के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है जी, चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मैंने पूरी डायपर कैंडी जो है वो एम्प्टी कर दी है, ये देख लीजिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात तो ये मैंने ली थी स्नग एंड प्ले से। ठीक है, क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे 6 से 7 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं टाइम टू टाइम इसको क्लीन करती रहती हूँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। ठीक है जी, अच्छा जी ये मैंने आपको दिखा दिया, ये स्नग एंड प्ले से मैंने ली थी और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है जी, अच्छा जी सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पॉकेट्स के ऊपर। ठीक है, इसकी यहाँ पर भी 3 पॉकेट्स हैं। ठीक है, और इसकी यहाँ पर भी एक बड़ी पॉकेट है। उसके अलावा जी इसकी यहाँ हम पीछे इसको करेंगे तो इसकी यहाँ भी 3 पॉकेट्स दी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ भी साइड में इसकी एक पॉकेट है। ठीक है, और बहुत स्पेशियस है, काफ़ी सारा सामान जो है ना आप इजीली बेबी का इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात कर लेते हैं ये जो चीज़ है ये आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको अटैच कर लिया, ये हमने इसको अटैच कर ली तो हमारे पास यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है जी, एक यहाँ पे बड़ा कंपार्टमेंट है, यहाँ पे 2 छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज़ आप अपने तरीके से कर सकते हैं कि आपके लिए, आपको अपने बेबी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे। ठीक है, ये डेली बेसिस यूज़ के लिए बेस्ट है। ठीक है जी, अच्छा जी मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करा हुआ है। तो जी यहाँ पर मैंने आर्यन के सारे फेस टॉवल्स रखे हुए हैं। ठीक है, सारे यहाँ पे मैंने वॉश करके मैं यहाँ पे इनको ऐसे ही रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके सारे फेस टॉवल्स हैं और यहाँ पे भी मैं इसके फेस टॉवल्स ही रखती हूँ। यहाँ पे कुछ कम है तो ये वॉश होने के लिए गए हुए हैं, बाकी जब वॉश होके आएंगे तो वो मैं यहाँ पे वापस रख दूँगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जी अब बात कर लेते हैं यहाँ की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रखती हूँ आर्यन के डायपर्स। अच्छा, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ आर्यन के लिए कैन बेबी। ठीक है, वरना मैं आर्यन के लिए ना पैम्पर्स के डायपर्स यूज़ करती हूँ, वो बहुत बेस्ट हैं। ठीक है, मैं उसके लिए हमेशा वो यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी जो है आर्यन का साइज़ नहीं मिल रहा है तो इस वजह से मुझे ये कैन बेबी के यूज़ करने पड़ रहा है। ठीक है जी, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे पैम्पर्स आ गए, यहाँ पे मैंने रखी आर्यन की चेंजिंग शीट। ठीक है, यहाँ पे आर्यन की चेंजिंग शीट रखी है। उसके अलावा ये मैंने रखे हैं आर्यन के वाइप्स, यहाँ पे मैंने वाइप्स रखे हैं। ठीक है, ये वाला कंपार्टमेंट हमने फुल कर दिया है। उसके अलावा जी अब बात कर लेते हैं यहाँ की। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले रखती हूँ यहाँ पे आर्यन के कुछ पजामास। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे डेली बेसिस पे यूज़ करने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं उसकी कुछ पैंटीज़ रखती हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे मैं रखती हूँ आर्यन के कोई भी डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले ना क्लोथ्स। ठीक है, 2 मैं लाजमी रखती हूँ कि अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा मैं उसको पहना सकूँ इजीली। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों रहें, जब वॉश होते हैं तो मैं कभी कोई दूसरा रख देती हूँ, कभी दूसरा रख देती हूँ। ठीक है, ये हो गए, यहाँ पर ये आ गए। उसके अलावा जी यहाँ पर मैं रखती हूँ आर्यन के कुछ रुमाल।
दूध वूध बच्चे पीते हैं तो उसमें जो है आप लगाते हो बेबी के लिए, तो यहाँ पे मैंने उसके कुछ रुमाल रखे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया जी। यहाँ पे मैं ये चीज़ें उसके लिए रखती हूँ। उसके अलावा अब जी ये बड़ा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर मुझे ज़्यादा चीज़ें रखनी होती हैं, तो मैं यहाँ पे उसके लिए स्किन केयर वगैरह और जो है ये सारी चीज़ें जो है ना मैं उसके लिए रखती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जी मैं ये रखती हूँ ये वाला जॉनसन्स का बेबी पाउडर, ये यहाँ आ गया। उसके अलावा जी ये पाउडर है मदर केयर का गो रैश पाउडर, ये मैं रखती हूँ। आर्यन के लिए रैशेस के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। कभी मैं आर्यन के लिए ये वाली जेली यूज़ करती हूँ जॉनसन्स बेबी की। ठीक है, अच्छा बेबी को ना आप बदल बदल की चीज़ें जो है ना उसकी स्किन पे यूज़ किया करें, इसलिए क्योंकि उसको एक ही चीज़ की जब आदत पड़ जाती है ना तो फिर वो दूसरी चीज़ उसकी बेबी की ना दूसरी कोई भी प्रोडक्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ठीक है, मैं रैशेज़ के लिए जो है ना ये तीन चीज़ें जो है ना वो मैं आर्यन के लिए यूज़ करती हूँ। ठीक है, एक सबसे पहले तो ये हो गया गो रैश पाउडर मदर केयर का, ये सोडो क्रीम, और उसके अलावा जी ये जॉनसन्स बेबी की जेली। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है ना बेबी के लिए बेस्ट है रैशेस के लिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आ गई। उसके अलावा जी बात कर लेते हैं ये बेबी लोशन, ये ज़रूरी है, ये यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके अलावा जी मैं आर्यन के लिए यूज़ करती हूँ ये बेबी ऑयल, ठीक है, ये यहाँ आ गया। उसके अलावा कभी मैं वाला पाउडर यूज़ करती हूँ, कभी ये वाला यूज़ करती हूँ, दोनों की फ्रेग्रेंस बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये यहाँ आ गया। उसके अलावा मैं आर्यन के लिए कभी कभी फेस पे लगाने के लिए ये वाली जॉनसन्स की क्रीम यूज़ करती हूँ, बेबी सॉफ्ट क्रीम, बहुत अच्छी क्रीम है ये भी ना। ठीक है, ये यूज़ करती हूँ, यहाँ आ गई। उसके अलावा ये जॉनसन्स बेबी का जो है ना शैम्पू और कंडीशनर दोनों है 2-in-1। ठीक है जी, ये मैं आर्यन के लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसका बॉडी बाथ अलग है, वो मैंने वॉशरूम में रखा हुआ है, और जो है शैम्पू भी एक अलग से है, वो भी मैंने वॉशरूम में रखा हुआ है, वो भी जॉनसन्स का ही है, वो अभी यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर डायपर कैंडी के अंदर ही रखा हुआ है। जब ये यूज़ होगा तो इसको फिर मैं वॉशरूम में रख दूँगी। ठीक है, उसके अलावा जी ये क्लोन है, ये मैं यूज़ करती हूँ आर्यन के लिए, ये भी जॉनसन्स का है। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ रख दिया। उसके अलावा एक ये है, ये ठीक है, ये भी बेबी का परफ्यूम है, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, ये भी यहाँ रख देती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। उसके अलावा ये कॉटन बर्ड्स हैं, ठीक है, आर्यन के लिए भी यूज़ करती हूँ मैं, ये यहाँ रख दी। उसके अलावा ये इसका मैनीक्योर किट है, इसमें नेल कटर, फाइलर और ये सारी चीज़ें हैं, ये भी मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, 1 से 2 दिन बाद बच्चों के जो नेल्स हैं ना वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो ये भी मैं इसके अंदर ही रखती हूँ ताकि जब मुझे चाहिए हो तो मैं फ़ौरन यूज़ कर लूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा ये पैसिफायर है आर्यन का, ये भी मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जी अब बात कर लेते हैं ये वाली साइड्स की पॉकेट्स की। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ मैं उसके फेस टॉवल्स रखती हूँ और यहाँ भी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ की बारी आती है, यहाँ पे मैं रखती हूँ आर्यन का कॉम। ठीक है, यहाँ पे मैं आर्यन का कॉम रख देती हूँ। उसके अलावा ये उसका तीतर है, ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिया था ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ये मैंने रूट्स नेचुरल कंपनी है वहाँ से लिया था ये। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है ये तीतर भी। ठीक है, अच्छा मैं पहले इसी के ही पैसिफायर यूज़ करती थी, वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगी, वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अब यहाँ पर जो है मैं रखती हूँ आर्यन के ये फीडर कवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसके फीडर कवर्स रखती हूँ। उसके अलावा जी ये पॉकेट है, यहाँ पे मैं आर्यन के कुछ टॉयज रख देती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन से निकाल के जो है ना वो मैं दे देती हूँ। ठीक है, ये हो गया।
ये सारा सामान जो है ना मैं अपनी डायपर कैंडी के अंदर रखती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े मैं फ़ौरन से निकालूं और यूज़ कर लूं, ठीक है। मुझे ना इधर भागना पड़े ना उधर भागना पड़े चीज़ों के लिए, सारी चीज़ें मैं इसी के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ आर्यन की, और मुझे इससे बहुत आसानी हुई है, बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग को भी बहुत आसानी होगी अगर आप ये लोग ये चीज़ बाय करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इसके अंदर मेडिसिन भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, ठीक है। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे बच्चों को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने आर्यन की जो मेडिसिन किट है, मेडिसिन बास्केट है, वो मैंने बिल्कुल अलग से बना के रखी हुई है। उस वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि उसके अंदर मैंने कौन कौन सी मेडिसिन रखी हुई हैं जो बच्चों के लिए अमूमन ज़रूरत होती है, ठीक है, वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके अलावा जी ये मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। अच्छा, सारी चीज़ें जो है ना, जो जो चीज़ें हैं उन सब की जो लिंक्स हैं वो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।